हेलो दोस्तों, कपिल शर्मा शो से भी बहुत अच्छा शो दोस्तों शेयर मार्केट में चल रही है। जो कपिल शर्मा शो में आपको हंसाने वाली खुशी मिलती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको रुलाने वाली खुशी मिलती है। तो चलिए मैं आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर लॉस है तो एग्ज़िट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला दोस्तों, शेयर मार्केट में जो कपिल शर्मा का शो चलता है वो बहुत ही डेंजर रहता है दोस्तों, उससे भी ज़्यादा डेंजर। तो देखिए, मैंने सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर देखिए, ये वीडियो मैंने अपलोड किया था, ये दोस्तों वीडियो मैंने अपलोड किया था। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मैं आपको डेट दिखाता हूँ। यहाँ देखिए 12 अक्टूबर को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था और बताया था SBI बैंक को और RBL बैंक को खरीदने के लिए। दोस्तों मैंने साफ साफ यहाँ पर लिख भी दिया है और वीडियो के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये वीडियो मैं आपके सामने अभी प्ले करने वाला हूँ। के ऊपर जो उसमें से मैंने दो बैंक को चूज किया है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा जो है गिर चुका है। अब हम लोगों का जो नजर होना चाहिए उन दोनों स्टॉक पे होना चाहिए, क्योंकि वो जो स्टॉक है इंटेंसिव वैल्यू से नीचे जा चुकी है। देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो आपके नजर में आना चाहिए, देखिए RBL बैंक, देखिए RBL बैंक, और दूसरा जो है SBI। यहाँ पर देखिए, SBI कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि SBI इतना बड़ा ब्रांच, इतना बड़ा स्टेबल बैंक हो के भी आज कितने प्राइस में हमें मिल रहा है। तो देखिए, आपके सामने मैंने SBI बैंक का देखिए चार्ट लगा दिया है। SBI यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट बनाया था 1 ईयर का रेंज में, यहाँ पर देखिए 1 ईयर का चार्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखिए 1 ईयर का रेंज में जो ये हाईएस्ट बनाया था, देखिए 370 को क्रॉस कर चुका था, 380 के पास जाने वाला था। लेकिन अभी हमें स्टॉक कितने में मिल रहा है, यहाँ पर देखिए कितने मिल रहा है, 254 रुपीज में मिल रहा है। तो देखिए, ये टाइम है, दिस टाइम टू, देखिए ये टाइम में आपको जो है खरीदारी करके चलनी है। इतना स्ट्रॉन्ग बैंक है और देखिए आपको इंटेंसिव वैल्यू से नीचे मिल रहा है ये स्टॉक। तो देखिए दोस्तों, मैं ये वीडियो में बस इतना ही बताना चाह कि अभी जो करेंट प्राइस चल रहा है ये स्टॉक का, SBI का जो करेंट प्राइस चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 254, अराउंड 250 के आसपास चल रहा था। और मैं बस इतना ही बताना चाहता था कि आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है दोस्तों, इसका प्राइस जो है आने वाले दिनों में इंक्रीज होना चाहता। और मैं अपनी भावना को यहाँ पर प्रकट करना चाहता था, मेरी भावना ये बोलना चाहता था कि अगर कोई स्टॉक, अगर किसी का, मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, 10 रुपीज़ का पेन खरीदते हैं, उसका प्राइस जो है आपको 8 रुपीज़ या 7 रुपीज़ में मिल रहा है, तो आप क्या छोड़ देंगे उसको? नहीं, खरीदना चाहिए उसको। अगर वही 10 रुपीज़ का पेन का प्राइस अगर आपको 12 रुपीज में मिलेगा तो आप क्या करना चाहिए? नहीं खरीदना चाहिए ऐसे। तो दोस्तों मैं आपको इतना बताना चाहता था, अंडर वैल्यूड में है ये, आप खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छा और स्टेबल बैंक है, आपको खरीदना चाहिए। और देखिए, कॉमेडी यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, जो रियल कॉमेडी है शेयर मार्केट का वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए, ये भाई साहब ने बताया है यहाँ पर आप लोगों को कि SBIN मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए फेलन फ्रॉम द ईयर हायर बिकॉज ऑफ NPA, इट हैज़ वॉस्ड, सो नॉट टू गुड स्टॉक। मतलब कि ये जो करेंट प्राइस पे आपको नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ पर देखिए, सो नॉट गुड स्टॉक एट करेंट प्राइस, मतलब जो करेंट प्राइस मैंने आपको बोला था वो करेंट प्राइस पर अच्छा नहीं है खरीदने के लिए। और उसका जो आपको कहाँ खरीदना चाहिए, यहाँ पर देख लिए करेंट प्राइस 182 to 210 इज गुड लेवल टू एंट्री। मतलब ये बताना चाहते हैं कि अभी जो करेंट प्राइस था 250 के प्राइस पे मैंने आपको बोला, वो करेंट प्राइस अच्छा नहीं था खरीदने के लिए। अगर आपको खरीदना है तो 180 से लेके 210 के बीच में, 182 to 210 के बीच में है जो ये खरीद सकते हैं ये स्टॉक। और आपके मन में एक क्वेश्चन अभी भी आ रहा होगा कि इसमें कॉमेडी क्या है। दोस्तों कॉमेडी ये है कि ये जो वॉरेन बफर है, इनको नहीं पता है कि कब स्टॉक खरीदना चाहिए, कौन से प्राइस पर खरीदना चाहिए, लेकिन वो बंदा जो है आपको ये कर रहा है दोस्तों, आपका जो ध्यान है वहाँ से हटा रहा है। यहाँ पर देखिए वॉरेन बफर जी क्या बोलते हैं। I don't know when to buy stocks, but I know whether to buy stocks. एक मिनट, इन्होंने क्या बोला, आई डोंट नो वेन द बाय स्टॉक, मतलब मुझे पता नहीं है कब स्टॉक खरीदना चाहिए, किस प्राइस पे। इन्होंने देखे यहाँ पर, देखिए आई डोंट नो वेन द बाय स्टॉक, मतलब इनको पता नहीं है कब स्टॉक खरीदना चाहिए, लेकिन उस बंदे को पता था कि 180 से लेके 210 के बीच में स्टॉक आएगा तभी खरीदना चाहिए। मतलब कौन करेक्ट है, वॉरेन बफर करेक्ट है या वो करेक्ट है? और यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है आई नो वेदर द बाय स्टॉक, मतलब मुझे किस लिए स्टॉक खरीदना है वो पता है, मतलब अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो हमें वो स्टॉक को खरीदना है, लेकिन कब खरीदना है वो नहीं पता। और दोस्तों यहां तक कि ये वीडियो मुझे ढूंढने में दोस्तों कम से कम 1-2 हफ्ते यहां पर मुझे टाइम अपना देना पड़ा। और आज की डेट में देखिए, मैंने बोला था 250 के प्राइस पर खरीदने के लिए, आज के डेट में देखिए SBI कौन से प्राइस पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों, 280 इसका हाईएस्ट देख लेते हैं कहां तक गया था दोस्तों, 284, मतलब कि दोस्तों 90 को टच ही करने वाला था। बताइए, मैंने आपको प्रॉफिट दिया वो गलत किया, वो दोस्तों आपको गलत रास्ते पर दिखा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव कॉमेंट दिखाएंगे करेंगे,
और ऐसा बात नहीं था कि मैं चुपचाप बैठा हुआ था। देखिए, मैं डेली वीडियोस को डाउनलोड करता था वॉरेन बफर का और देखता था डेली। यहाँ पर देखिए, डेली वॉरेन बफर, वॉरेन बफर, वॉरेन बफर। दोस्तों, मैं डेली वीडियो डाउनलोड कर करके देखता था। कहीं पर तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला होगा, किया होगा। और देखिए, सेम चीज़ दोस्तों आपको देखने को मिला। हाँ, थोड़ा टाइम लगा मुझे रिसर्च करने में, लेकिन आपको जो है सही रास्ता दिखाया। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से दोस्तों मैंने आपको प्रॉफिट दिया, वो गलत काम किया। लेकिन उसने आपको जो रास्ता दिखाया वो सही काम किया। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ क्या करना है। और देखिए दोस्तों, ये मेरा वीडियो नहीं है। यहाँ पर देखिए, आपके पास थंबनेल है, यहाँ पर टाइटल है, यहाँ पर देखिए ये यूट्यूब चैनल का यहाँ लिंक है। आप यहाँ से जाके ये वीडियो को पूरा देख सकते हैं यहाँ पर। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपने यूट्यूब के सर्च बॉक्स में यहाँ पर जाना है और यहाँ पर सर्च मारना है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, आपको टाइप करना पड़ेगा। आपने जैसे यहाँ सर्च किया तो ये आइकॉन आएगा, आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको ये वीडियोज़ में जाना है, वीडियोज़ में जाइएगा। तो यहाँ पर आपको डेली, मतलब मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। देखिए, 25 मिनट पहले अपलोड किया, वो 1 घंटा पहले अपलोड किया, 16 आवर पहले, 16 आवर, 18 आवर्स, यहाँ देखिए 18 आवर्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको दिखाता हूँ 3 डेज आवर। तो यहाँ पर आप हमारे पूरी वीडियो के साथ पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद किसी पर बिलीव कीजिएगा, ऐसे ही किसी के यूट्यूब चैनल पर बिलीव मत कर लीजिएगा कि हाँ ये है वो है ऐसे करके। देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, किसी ने कुछ भी आपको बोला कहीं पर भी, देखिए इन्होंने बोला कि स्टॉक को कब सेल करना पड़ता, तो इनको सारे, इनके चैनल पर जाके सारी वीडियोस को देखो। क्या एक दो तो कोई भी ट्राई मार सकता है। सारी वीडियोस को देखे क्या करेक्ट है क्या नहीं है, उसके बाद आप किसी के ऊपर बिलीव करो। अगर अच्छा लगा तो आगे सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होने वाला है।